रहमान रहीम एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास एक डिस्पेंसर है। इसमें हो ये रहा था कि इसमें जो ये बीच वाला हम प्रेस करें, इसमें बंद करने के बाद भी ना हल्का हल्का सा जो पानी के कतरे हैं यानी कि ड्रॉप जो है वो टपक रहे थे। तो ये कैसे हमने सही किया ये आपको बताते हैं। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी घर में इसको ईजिली कर सकते हैं। हम आपको अभी तरीका बता दें। इसके पीछे ये तीन स्क्रू लगे हुए थे, दो इधर लगे हुए थे। ये इसकी प्लेट है, ये इस तरीके से लगी हुई थी। ये प्लेट हमने हटाई और ऊपर के दो स्क्रू खोले पहले, उसके बाद अब हम ये निकालेंगे। ये थोड़ा सा आपको उठा के निकालना पड़ेगा। ये देखें, ये पहले आप यहाँ से उठाएंगे और ये देखें फंसा हुआ है थोड़ा सा ना, इसके अंदर फंस जाता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल करता है, मगर आपने इसको तोड़ना नहीं है। ये थोड़ा सा आप करेंगे, ये देखें इस तरीके से ये आपका निकल कर आ जाएगा। और ये तार लगे हुए, इसको तार को लगे रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको तीन, आपको ये समझ लें बटन्स की असेंबली नज़र आ रही होगी। एक ये नॉर्मल का है, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का। जब आप हीटर ऑन करते हैं तो ये गर्म आ जाता है और एक ठंडा आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल सा ये हो ये रहा था, ये वाला जो प्लंजर है ना जिसमें आपको मैं बता रहा था ड्रॉप हो रहा था, ये थोड़ा सा प्रेस हो गया था। तो हमने क्या किया, ये देखें ऐसे निकल जाता है। अब मैं अगर इधर लेके जाऊँ तो ये देखें ये पानी टपक रहा है। अब मैं जैसे ही इसको ऊपर करूँगा, यहाँ पर देखें कि जैसे ये देखें प्रेस हुआ हुआ है, तो ये इसको मैं ऊपर करूँगा पानी वहाँ से बंद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये इसके अंदर तो था मगर ये थोड़ा सा प्रेस था, इसको दोबारा सही से करके हमने टाइट किया, ऊपर किया। ये देखें इसको अब यूँ ऊपर खींच सकते हैं, तो ये पानी टपकना सही हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली ये छोटी मोटी चीज़ें जो है आप भी घर में कर सकते हैं ईजिली। तो उम्मीद है आपकी नॉलेज में कुछ थोड़ी बहुत इजाफा करने के हम बाइक बनेंगे। थैंक यू।